पुलिस से मारा था, हादसा मार भाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि वो कोई हादसा नहीं बल्कि वारदात, जिसे बहुत ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी और नाजायज रिश्तों का दाव धीरे धीरे अपन का मत खोलती चली गई। वो खिताब जिसके जल पर खुद शख्स पत्नी का नाम था। थाने में बैठी पुष्पा नाम की इस महिला पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। पुष्पा की जिंदगी नाजायज रिश्तों में कुछ इस तरह उलझी कि वो अपने ही पति की गुनहगार बन गई। दरअसल गाजियाबाद पर थाना मसूरी इलाके में चौहर सिंह नाम के एक शख्स की लाश मिली थी। शिनाख्त के बाद पता चला कि चौहर सिंह साइबाबाद में मौजूद एक कंपनी में इंजीनियर था, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद अपना काम करने लगा था। पुलिस के अनुसार चौहर सिंह की पत्नी पुष्पा का चाल चलन ठीक नहीं था। इसी दौरान पुष्पा का बड़ा बेटा नरगा में बस चलाने की नौकरी करने लगा, जहां उसकी मुलाकात रविंदर गुर फौजी से हुई। देखते ही देखते उसका घर में आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच पुष्पा के रविंदर से नाजायज रिश्ते भी हो गए और पुष्पा उससे ही अपना पति मानने लगी। क्षेत्र